हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा मैं आपको कि मैं अभी उठी और मेरे सर पे तेल लगा हुआ है इतना सारा। मेरी फेवरेट चीज़ है नाश्ते में, फेवरेट जो इंडिया की सब्जी होती है वो भी आने लग गई है, यहाँ पे सामान आने लग गया है तो अब हम खा सकते हैं। जैसे पहले नहीं होता था यहाँ पे घिया पिया निया भिंडी या ऐसी चीज़ें, लेकिन अब हो गई है। अब होती हैं लेकिन दूर जाना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा, एक घंटे दूर। आपने गौतमबर का व्लॉग देखा होगा शायद जब मैं गई थी, तो जब झूला वाला था जहाँ पे, तो वहाँ पे जाना पड़ता था सब्जियों के लिए। बाकी नॉर्मल सब्जियाँ तो यहाँ पे मिली जाती हैं जो होती हैं, लेकिन इंडियन जैसे भिंडी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, घिया, लेकिन अब मिल जाती है। मेरा नाश्ता है ये रोटाने, मम्मी ने कल ही बनाए रोटाने। मैं सोचा मम्मी ने एक बार और बना रखा है रोटाने, तो दोबारा क्या व्लॉग बनाना, उसका रोटाने वाला व्लॉग आ रहा होगा वहाँ पे, या फिर आप देख लेना। जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था उसी दिन हमने ये रोटाना बनाया था। और ये है मेथी के परांठे। मेथी यहाँ पे पहले नहीं मिलती थी, अब मिलने लग गई है, तो इसीलिए मेथी के परांठे। मेथी के परांठे बहुत ही ज़्यादा, मतलब फेवरेट परांठों में से मेरा मेथी का परांठा है। और इसके साथ मैं खाऊंगी अचार। मेरी मौसी ने इंडिया से ना अचार भेजा हुआ है, तो वो अचार इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। मम्मी वो मौसी ने घर पे बनाया था? हाँ, मौसी सास उन्होंने दी, वंशों की दादी। हाँ, दादी पे जाता सारा क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और इस अचार के बिना तो मैं अब कुछ खा नहीं रही शायद। हर चीज़ में मेरे को ये अचार चाहिए। ये देखो मेहनती लड़का, अच्छे से हर कोने में, वहाँ पे भी। यहाँ का कौन करेगा फिर? अब हमारा प्लान ये है कि हम बनाएंगे मोमोज, और मेन रीज़न मोमोज बनाने का ये है क्योंकि हम पे है, दिखाती हूँ, हम पे है शेजवान चटनी। ये फिर से मौसी और उन्होंने दिया है, ये रही पत्ता गोभी, ये रही गाजर। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ उससे पहले, ये मशीन मार रहा है यहाँ पे तो आवाज़ आ रही है। ये देखो क्या है ये, मैं बताती हूँ, बताओ। अमरूद है ये, अमरूद इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा अमरूद और इतना महंगा मिलता है ये एक। ये यहाँ पे 100 रुपये किलो है, दिया गया 900 रुपये किलो। मम्मी वहाँ पे आटा गूंद रही है। पहले जब हम मोमोज बनाते थे तब तो वो होता था कि बहुत मुश्किल होता था, हम वो चाकू से काटते थे इतना बारीक बारीक, लेकिन जब ये परफेक्ट है, जब से हमारे पास ये आया तब से इसने हमारी लाइफ ही ये हो गया था। जब ये लिया था तो मेरे साथ कुछ हो गया था इसका, तो मैं थोड़ा डरती हूँ इसे करने में, लेकिन हम पहले मैं डरती थी, अब थोड़ा मेरे को ठीक लग गया, क्योंकि पहले जैसे ही लिया था जिस दिन आया था ये, उसी दिन मेरे इससे हाथ कट गया था। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मैं बेफूफू, तो इसीलिए मेरे को लगा कुछ नहीं होगा। मैंने इसे पकड़ रखा था उसका ब्लेड, तो एकदम से इतना ज़्यादा कट गया था, पूरे छींटे पड़ गए इधर के उधर इधर के। अब जितनी बार घुमाओगे उससे और छोटा होता रहेगा, मेरे को लग रहा है इतना बहुत है मेरे लिए, इतना ठीक होता है मोमोज के लिए। अब इसको हटा दिया सर, पहले एक गाजर करके देखते ना कटे ना कटे, फिर वो चॉपिंग बोर्ड से काट लेंगे। लेट्स सी, कितने अच्छे से करे इसने गाजर। काकू कह रहे इसे और बारीक कर थोड़ा। अब ठीक है, अभी और करने गाजर, बाकी प्याज तो यहाँ पे रख रखे हैं, कटेगी इसमें धोने बाद में। हाँ, धोने में छन्नी से, अब इन्हें देखते हैं। मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको भी पता चले इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ हो जाती है, वैसे तो पता ही होगा, और सब्जियाँ मैंने कभी नहीं करी, मैं प्याज टमाटर करती हूँ। पर ये है कि मिक्सी का लफड़ा नहीं, इतनी बड़ी मिक्सी, इसमें सब कुछ आसान है। मिक्सी निकाला, फिर
हो रही है। कितने अच्छे हो रहे ना, एकदम जैसे मोमोज की होती है। और फिर छन्नी में डाल देती हूँ क्योंकि बाद में धोने पड़ती है ना, क्योंकि पत्ता गोभी अच्छे से धोती हूँ। ये देखो सारी सब्जियाँ मैंने काट के रख दी और कितने फाइन करके इसने काटा है। गाजर, ये अदरक और लहसुन है और प्याज। इसमें मतलब आप पे डिपेंड होता है आप कितना पतला करना चाहते हो इससे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, किचन में होनी चाहिए वाली चीज़। ये काम इजी भी कर देती है और अच्छा भी करती है। तेल गर्म हो गया, अब डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का जो पिसा हुआ था। इनको ज़्यादा तो ब्राउन करते नहीं है, इनको थोड़ा सा ही करते हैं। मुझे लग रहा है मैंने प्याज थोड़ा और चॉप करने थे क्योंकि थोड़े थोड़े टुकड़े बड़े हो रहे हैं, बड़े आ रहे थे इसमें। अब डालेंगे गाजर, डालेंगे पत्ता गोभी, इसमें अब थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर मिला दूँ, थोड़ा सा, और थोड़ा सा सोया सॉस। जो मैंने बनाए हैं इसे टेस्ट करती हूँ मैं, देखती हूँ इसमें नमक और मिर्ची सब सही है या नहीं है। थोड़ा सा नमक कम है बस इसमें। मोमोज की फिलिंग बन चुकी है। डैम सन, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है ना, गाजर गल लग रहा है। अच्छा हो रहा है ना, ये खा लेगा क्या पूरा। ये वीडियो जब पूरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी जो कि है मेरे बर्थडे गिफ्ट, जो कि आ गया था बहुत पहले, तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। उस टाइम उस दिन मैंने व्लॉग नहीं करा हुआ था, आप एंड तक वीडियो देखना। इनको एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बनाना पड़ता है, पतला पतली पतली गुड। अभी मम्मी उन्हें बेल रही है, बेल के फिर उसके अंदर फिलिंग भरेंगे, लेकिन अभी नहीं भर सकते क्योंकि अभी वो गर्म है। ये हमारे है मोमोस का बर्तन, तो मेरे को लग रहा है पत्ता गोभी लगा दूंगी तो तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से कटोरे में पानी रख दिया मैंने, ये लिया हमने एक थोड़ा भरा इसमें, और पानी लिया इसके साइड साइड में लगाया ताकि चिपक जाए वो। इसको बहुत पहले बनाया था मैंने, देखते बनता ही नहीं बनता। मैं गोल वाले ही बनाती हूँ, मेरे को लंबे वाले नहीं पसंद शेप। ये जी बन गई। ये बन गए मोमोस, अब मैं इसको रख दूंगी इसके ऊपर। अब इसको 10 मिनट तक रखेंगे। ये यहाँ पे मैंने बना के रख दिए और मैं यहाँ पे बना रही हूँ साथ साथ में, वहाँ पे वो हो रहे हैं। अभी 5-6 मिनट और। कैसी शेप ये वाली, मैंने ये वाली ट्राई करी, मैंने यहाँ देखते हैं। टाइमर बज गया, ये हो चुके हैं। वाह, लग तो अच्छे रहे। हाँ, मेरा सर लग गया। आर यू गाइज रेडी? आई एम रेडी।
आर यू रेडी? यार रेडी, आई एम आल्सो रेडी। अब हम दूसरी बारी के डाल देते। कैसे क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे दो मोमोज खा लिया और मैं वो वीडियो बना रही हूँ और वीडियो ऑन ही नहीं थी। अबे यार, मैं आपको फेक रिएक्शन देती हूँ फिर। पहली बार खा रही है, अच्छा हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पतले हो रहा है। ग्रीन चटनी के साथ पुदीना और धनिया की और शेजवान चटनी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन। साथ में चाय भी बन रही है और मोमोज भी बन चुके हैं। चीनी देखो मम्मी कितनी डालती है। तीन चम्मच डाल, चौथा है ये। चम्मच भी देखो। हाँ तो अब आधे मैं तब बनाऊंगी जब पापा आएंगे, ताकि गरम गरम रहे। लो जी पापा आ गए। पापा टेस्ट करो। बढ़िया, मस्त, अच्छा है ना? ज़दार पतले हो रहे हैं ना? बढ़िया, कोई लग रहा जैसे ये मैं पतला है ना? जैसे इंडिया में बनाते होंगे। जैसे नहीं, यहाँ पे नहीं बाहर मिलता। जैसे मोमोज मिलते हैं, डम्पलिंग्स बोलते हैं यहाँ पे उन्हें, तभी स्वाद बकवास होता है इनका, क्योंकि उसे डम्पलिंग्स बोलते हैं, मोमोज नहीं बोलते। हाँ यार, नहीं वेज डम्पलिंग, चिकन डम्पलिंग ऐसे बना दो। रेस्टोरेंट में डम्पलिंग वगैरह हो जाता है, अब मोमोज तो बाहर वगैरह जो नेपाल में है वहाँ बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, नहीं तो रेस्टोरेंट में कैसे होता है, डम्पलिंग चिकन डम्पलिंग वेज डम्पलिंग होता है। मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना इस व्लॉग, शेयर करना और कमेंट करना, और सब्सक्राइब अगर जिसने अभी तक नहीं करा हुआ। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और मेरी वीडियो देखी। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। अभी नहीं बता सकते क्योंकि जिसके लिए ये व्लॉग है वो देख ले। बाय। मेरा गिफ्ट आ चुका है अब, ये ना मम्मी और पापा और भाई ने दिया मेरे को, अभी लाई हूँ जस्ट मैं, तो इसको ओपन कर दे। सबसे पहले लैश कलर, लैशेस को ऐसे करने के लिए होता है, अभी मेरे को नहीं पता मेरा हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को शीशे की ज़रूरत है। फिर आता है ये, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही लिया है। ये मेरे को लग रहा है फेस के लिए है। ये क्लींजिंग पैड है और ये फेस रोलर है। मेरे को लग रहा है इससे मसाज करते हैं। अभी मेरे को इसकी टेक्निक नहीं पता कि कैसे करते हैं, उसके लिए मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब मेरे को देखना था कि इससे होता क्या है। इसे मसाज टाइप का होता है। आपको लग रहा है क्या है ये? ब्लैंकेट सा, एक्चुअली इट्स अ पर्स। पर्स है ये। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को फरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने फर वाला पर्स भी ले लिया, क्योंकि मेरे को एक बैग चाहिए था ताकि जिसमें मैं लैपटॉप रख सकूँ अपना। अच्छा लगा बाय। मतलब ये चेन, अरे जेन, ये चेन है, यहाँ पे भी है अलग से, और फिर इसे ये भी नहीं कि खुला रहेगा, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। बंद हो जाए, सही। ब्लैक कलर भी था लेकिन ये वाला ज़्यादा कलर अच्छा लगा।